हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ सोनालिका और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर और अच्छी टॉपिक लेकर आई हूँ और वो है महापर्व छठ। मैं अभी सूरत में हूँ और पूरा सूरत सन्नाटों से भरा है क्योंकि यहाँ का फेस्टिवल ख़त्म हो गया, बट झारखंड, यूपी, बिहार इन सब जगहों पे अभी भी बहुत ज़ोरों शोरों से किसी महापर्व की तैयारी चल रही है। और वो महापर्व क्या है? छठ पूजा। ये छठ पूजा 4 दिनों का होता है। और कैसे कैसे मनाया जाता है और पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है और चौथे दिन क्या होता है, मैं सबके बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं बिहार, झारखंड और यूपी का महापर्व। अभी बेसिकली ये सारे फेस्टिवल हर पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है और बहुत अच्छे से, बट मैं आपको दिखाती हूँ। पहले छठ के पहले दिन की पूजा नहाए खाए से शुरू की जाती है, जिसे हम लोग कद्दू भात भी कहते हैं। इसमें कद्दू और अरवा चावल और सेंधे नमक और जो भी सीजनल सब्जी है उससे मनाया जाता है। बनाने के बाद खाना को पहले परवैतिन यानी कि जो छठ पूजा करता है उनको खिलाया जाता है, उनकी भोग लगाई जाती है। सारे सीजनल वेजिटेबल बनाए जाते हैं और सबको सेंधा नमक से बनता है। आपको जो भी खाना है वो सेंधा नमक और पूरे पवित्र तरीके से बनाया जाता है और नहा के ही ये भोजन को बनाना होता है, इसलिए इसे नहाए खाए कहते हैं और सेंधा नमक व्रत वाले नमक ही की यूज़ की जाती है। पहले ये भोजन हम जो इस पावन पर्व को करता है उनके लिए होता है। जैसे मम्मा ने किया है तो उनके लिए पहले खाना परोसा जाएगा, सबसे पहले वही खाएंगे, फिर ही कोई और खा सकता है इस खाने को। उनको खाने के बाद ही जितने लोग बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं उन्हें तभी मिलता है। इसमें पूरी तरीके से शुद्ध होकर ही भोजन को प्राप्त करना चाहिए। जैसे मम्मी की थाली लग गई है बट इधर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी रखी गई है, वो उन्हें नहीं खाना, बस रख दी गई है बट वो खाएंगे नहीं। ये तो उनके लिए बना है चना का दाल, कद्दू, साग, चावल और ये खाने के बाद फिर वो एक बार ही खा सकती हैं शाम को। यही भोजन, बचे हुए भोजन, ये रोटी बिल्कुल शुद्ध तरीके से बना होना चाहिए, उसे ही वो खा सकती हैं। ये सैलड भी रख दिया गया, लेकिन ये पापड़ नहीं खाएंगे क्योंकि ये सेंधा नमक से नहीं बना। तो मेरी मम्मी मेरे साइड देख रही है, अब वो अपना खाना स्टार्ट कर रही है क्योंकि सारे बच्चे साइड में बैठ के देख रहे हैं कि कब वो खाएंगी और हम कब खाएंगे। और व्रत का दूसरा दिन जिसे कहते हैं हम खरना, इसमें बेसिकली होता क्या है, जितनी सूप चढ़ाई जाती है उतने पार्ट में हम लोग भोग लगाते हैं मिट्टी के बर्तनों में। हर जगह अलग अलग रूल्स हैं बट हमारे यहाँ खीर बनाई जाती है और अरवा चावल, दूध और गुड़ से, और इसमें केला, पान के पत्ते, जनऊ और ये सब लगाए जाते हैं और दीपक जलाई जाती है और बहुत ही पावन तरीके से इसकी पूजा की जाती है। ये पूजा के टाइम कोई भी किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। पूजा होने के बाद इसमें भी दूध का अर्घ दिया जाता है और जिसके जिसके नाम का होता है उसे वहाँ पर उपस्थित होने होती है। वहाँ वो लोग होंगे और उस अपने अपने जो मिट्टी के बर्तन में प्रसाद चढ़ाया गया उनमें वो अर्घ देते हैं और ये देने के बाद फिर मम्मा पूजा करती है और उसके आसपास कोई भी शोरगुल नहीं होनी चाहिए, कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ये प्रसाद लग गया, ये जो पेपर में लैप किया उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, चनों होता है, नारियल होता है, भोग की तैयारी कर दी गई है और मम्मी की थाली अलग से वो बनाती हैं और फिर बिल्कुल शांत तरीके से भोजन, आप देख रहे हो, ये अर्घ दिया जा रहा है, दूध का अर्घ दिया जा रहा है, कच्चे दूध का अर्घ दिया जा रहा है। और मम्मी ने भी अपने इसमें बैठा और यहाँ से सारे लोग चले जाएंगे और वो अब पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद जब उनका पूजा हो जाएगा और मम्मी खुद भोजन कर लेंगे फिर हम अंदर आते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और प्रार्थना करते हैं लंबी आयु की। और ये है डे 3।
डे थ्री में सुबह से लोग कामों में लग जाते हैं। ये बन रहा है ठेकुआ, जो बिहार का काफ़ी फेमस डिश है ठेकुआ। सब काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि ये क्या है, कैसे बनता है। ये बनता है गेहूं के आटे से और शुद्ध घी से। ये देख रहे हो आप, फल आ गया, फूल आ गया, दिए आ गए, सारे फ्रूट्स आ जाते हैं। इधर हम लोग घाट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मम्मी खड़ी होके वहाँ पे अर्घ हम लोगों को देना। और ये देखिए वो चकना स्टार्ट हो गया और सारे फ्रूट्स ये सब धुल गए हैं। बहुत अच्छी तरीके से इनको सजाया जाएगा, सूप हो या फिर कलश हो या फिर थाली हो या जिसमें भी जो लोग मन्नत मांगते हैं कि हम ये चढ़ाएंगे, और उसमें वो सजाया जाता है। अब मम्मा शाम के अर्घ के लिए आ रही हैं। आप देख सकते हैं मम्मी का पैर फ्रैक्चर हो गया था अभी लास्ट ईयर मार्च में, बट अभी इतने सीरियस ऑपरेशन के बाद भी उन्होंने छठ किया, क्योंकि इसमें आप खुद ब खुद आपको इतनी शक्ति मिल जाती है कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ये देखिए शाम की अर्घ की तैयारी हो रही है। उनको दो लोग मेरे हस्बैंड पकड़ के खड़े हैं, हैवी है तो नीचे से उन्होंने सपोर्ट दिया। बहुत बहुत डिसअपॉइंट तो नहीं कहते, बट करना तो है। और ये है सुबह की अर्घ। दोनों ही एक जैसे ही होते हैं, एक उगते हुए सूरज और एक ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। ये सब हो जाने के बाद आप देख रहे हो पानी, हम लोगों ने इसे घर पे ही बनाया। सूर्य भगवान को दिया जलाएंगे, कपूर की आरती लगाएंगे, आरती होगी। ये मम्मा आरती कर रही हैं, हम लोग पीछे से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, खड़े हैं। इतनी अच्छी इतना अच्छा फेस्टिवल है कि दिल खुश हो जाता है। लगता है कि अभी मैं सूरत में हूँ, बट मुझे मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ इस फेस्टिवल को, लिटरली इतनी ज़्यादा। और इसमें एक सॉन्ग चलता है जो कि आप लोग अभी सुन ही रहे होंगे, हर जगह ये सॉन्ग चल रहा है। मैंने भी इंस्टा पे रील बना के लगाया है। बहुत पावन पर्व है ये। हैप्पी छठ पूजा एवरीबॉडी।